सर सॉरी मैम, माइक वॉज म्यूटेड। उसने हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि हमें स्टैंडर्ड, आई गेस हमें कंबशन ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। यस सर, जो इसने टेबल मेंशन किए हैं इस बुक में नहीं होगी क्योंकि चैप्टर 6 है। वो 6.1 एंड 6.2 को ही रेफर कर रहा होगा। हमें कंबशन ही यहाँ पे देखनी पड़ेगी क्योंकि आई गेस इक्वेशन यहाँ पे से सही तरीके से लिखी नहीं हुई है। इट वुड बी द राइट सर इक्वेशन एज कॉज सब कंबशन की इक्वेशन हैं, सो द राइट वन वुड बी सी सिक्स एच सिक्स प्लस ओ टू गिव्स 6 CO2 प्लस 3 H2O प्लस एनर्जी जो भी है हमारे पास। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 6 2 से 12 एंड 3 15 है, तो 15/2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आई गेस हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, इनको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू बाय हेस लॉ के अकॉर्डिंगली। पहले हम कंबशन देखेंगे CO2 की, इट वुड गिव अस CO2। फिर हम वाटर की फॉर्मेशन पे देखेंगे विच वुड बी H2O, एंड देन 6 CO2 गिव्स 6 कार्बन प्लस 6 O2, एंड देन हमारे पास वाटर का आएगा ब्रेकडाउन विच बी 3 H2O गिव्स 3 H2 प्लस 3/2 O2, एंड देन हमारे पास हमें फाइनल कंबशन की तरफ जाना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास क्या चीज रह गई है ब्रेक करने के लिए? CO2 की तो यहीं पे दी हुई है, हमें नीचे जाने टेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। CO2 की हीट ये दी हुई थी, ये आ गई -393.5 kJ/mol। वाटर की हमारे पास जो हाइड्रोजन की होगी वही आएगी -285.5, और वो उसने दी हुई है यहाँ पे हाइड्रोजन की ओनली। ठीक है, और जो इसकी थी वही इसकी होती है, हम लोगों ने स्टार्ट में वो किया भी था। अब 6 CO2 में हमें कार्बन एंड ऑक्सीजन में जाना है। ऑक्सीजन की तो जीरो हो जाएगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी वही उसकी बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास कितनी थी, 393 × 6, -393। तो 6 × -393.5, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी वही कार्बन की आ जाएगी हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आएगा। -22,361 -1 kJ/mol, एंड अब वाटर में आ जाते हैं, 3 × 285 कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास?855 -8, क्या 800 है? 855 ठीक है, एंड अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रह गया? इस इक्वेशन की बैलेंस फाइंड आउट करनी है। O2 की तो जीरो हो जाएगी, तो C6H6 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। सर टेबल से मिल जाएगी। देखो ऐसे सी करो, सिक्स एच सिक्स एच ऐसे का करो, नेगेटिव 3268 ऐसे है। करो, नहीं, तुम ऐसे करो कि -236, ये जो वैल्यू आई है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 2361, और वाटर के केस में जो आई है ये, इन दोनों का ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है? 2361 माइनस 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 प्लस हो जाएगा आई गेस, और
855 -3 to 16। 3 to 16 किलो जॉल, ये तो आ गई इस इक्वेशन की एनर्जी। ठीक है, ये टेबल हमारे में पास सर थी 3 to 6 8 दी हुई है, 6 8। 3 to 8। ये फिर कार्बन ऑक्सीजन की दोबारा देख लो, सही वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाली है, सॉरी हाइड्रोजन की 285.8 मल्टीप्लाई बाय 3 का 855 ही आ रहा है। जी सर अभी 5.8 है, लेकिन सही है। 3 to 6 8 ही है सर। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में फिर कहीं मिस्टेक ना कर दी हो ना, 6 into 3 93.5 का आंसर यही आ रहा है, 2361। सर आपने जो वाट आपने वाटर की लिखी है, हाइड्रोजन की नहीं लिखी, वो ये अरे सेम वाटर चीज ही एंड होगी ना हाइड्रोजन फिर। की सेम ही होती है ना मेरे बच्चा, क्योंकि हाँ सर सॉरी ऑक्सीजन सर, सेम चीज ही ऑक्सीजन की होगी। तो 0 होती है ना। सही 3 into 285.8 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू ये है ना 857.4। 50। अब देखो ये वैल्यूज पुट करके देखो, 3 to 8 6 8 आ रहा है, ये लिखा कहाँ पर है 3 to 6 8। सर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 120 पे। अच्छा चलो, अब मेरे पास तो मैं पीछे जाऊंगा तो वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अब माइनस करके देखो वो आ रही है वैल्यू 3 to 6 8 वाली। H2 और सॉरी O2, H2 और C को नहीं माइनस करना है ना। हाँ, माइनस लिखना है, माइनस 2361 प्लस 857.4। सर आंसर आ रहा है नेगेटिव 1503.6। हैं 3 to 180 आ रहा है सर इसका भी। थ्री टू वन एट फिर भी आ रहा है वैल्यूज चेंज होने के बाद भी। मतलब सर थोड़ा सा मतलब 2 से 2 वैल्यूज बढ़ गई, और 3 to 16 आ रहा था पहले, अब 3 to 18 आ रहा है। तो 3 to 1 8 ही होगा फिर, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया कहीं पे भी। सर सर इसमें टेबल्स का ये भी है, अक्सर जो चैप्टर्स है ना वो पिछली कुछ बुक्स से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किए, तो टेबल के नाम भी इसमें चेंज नहीं किए, तो इस वजह से काफी मिस्टेक्स हैं। अच्छा क्या चलो, थ्री टू मतलब वन एट कर लेते हैं हम कहीं मिस्टेक तो कर नहीं रहे, हमारे पास रिजल्ट यही है, हम देख लेंगे इसको कहीं से। 3 to 1 8 आ गया हमारे पास। अब हमें किसकी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, C6H6 की। ठीक है, सर जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा ना। यार वो यूं होता है ना, वो इसकी वैल्यू 2361 थी, प्लस माइनस जब करेंगे। अच्छा माइनस करके देखो क्या बन रही है, फिर सर तो पीछे भी माइनस लगाते हैं, जो मैंने अभी जो बताया था 1600 ऐसा होता। नहीं, वो माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, यहाँ पे मैंने गलती से माइनस प्लस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना। सर जब आप जी बीच में प्लस लगाते हैं तो फिर वो अहमद वाला रिजल्ट आता है, बीच में माइनस लगाते हैं तो मैंने जो बताया था कि 1500 गलत, हंड्रेड देखो थ्री टू पॉइंट थ्री सिक्स वन प्लस सिक्स 857 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -236 -857 3218 यही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है फॉर, इसमें से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सर। इसको डिवाइड बाय 6 करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो 50 किलो जाउल्स पर मोल, वो यार। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ तुम लोगों के आंसर में, और हाँ मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस आ क्यों रहा है, 6 into 393.5
फाइव एस थ्री, 2 3 6 1, ये ठीक है. 3 × 285.8, इट्स 857.4, ये भी ठीक है. सो -3 2 सॉरी 2 3 6 1 -857.4, इट्स गिविंग 3 2 1 8.4. सही, एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है भाई. 3 2 1 8, बिल्कुल थ्री सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो टू पॉइंट 50 एट आ रहा है वन या फोर आ 40? रहा है, और ये माइनस करके 49.6 ही आ रहा है. एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है आंसर हमारे पास, सही है हमारा. ये हमारा एंथैल्पी चेंज हो गई। अच्छा हाँ, और माइनस में साइन आ रहा है, इट मींस इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. नाउ वी हैव द हीट ऑफ कंबशन ऑफ लिक्विड बेंजीन C6H6 टू फॉर्म H2O एंड CO2 एंड एट वन एटमोसफेयर एंड 25 डिग्री C, -2368, जो अभी भी हमने किया भी है. व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन ऑफ दीज रिएक्शंस? तो ये इसको ऑपोजिट हो जाएगा, तो प्लस में आंसर आ जाएगा. ये जो हमने सारा काम किया है ना, इसको रिवर्स में लेके जाना है, फॉर्मेशन में जाना है हमने. तो हमें पता है उसका ऑपोजिट करेंगे तो वो प्लस में आंसर आ जाएगा. ठीक है. यस यानी अब हमें 6C+3H2 गिव्स C6H6 करना है. और पहले हमने क्या किया था, C6H6 ब्रेक्स टू 6C+3H2, तो इसको ऑपोजिट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 49.6 किलो जूल्स पर मोल. रिवर्स में हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है. ठीक है. अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़े सारी की सारी, तो ये जो ऊपर लिखी हुई है यही लिख देनी है, बस हमने ऑपोजिट करके. पहली इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन, 6C+6O2 गिव्स 6CO2. इसका आंसर हमारे पास क्या था, 236 माइनस 2361, वही रहेगा. बिकॉज का ऑक्सीजन की जीरो होती है, तो कार्बन की जो निकली वही रहेगी. नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3H2+3/2O2 गिव्स 3H2O. इसका आंसर क्या आया था, 857.4 सॉरी, माइनस डेल्टा एच लिख देना इनके साथ. और तीसरी क्वेश्चन में हमने कहाँ पे जाना है, 6CO2+3H2O गिव्स 6C6H6+15/2O2 विच इज 3268 विद अ पॉजिटिव साइन किलो जूल्स पर मोल. अब जब हम माइनस और वो करेंगे, सो रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 6C+3H2 गिव्स C6H6 = ΔH+49.6 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास. नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट डू वी हैव फॉर क्वेश्चन नंबर. देन बोला कम कैम्फर हैज अ हीट कंबशन 5903. अ सैंपल ऑफ कैम्फर हैविंग अ मास ऑफ 0.1204 इज बर्न्ड बाय अ बॉम्ब क्लोरीमीटर. टेम्परेचर इंक्रीज बाय 2.28. कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी. ओके,
सबसे पहले तो हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं, मास यहाँ पे उसने दिया हुआ है, इस वजह से हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो C10 + H16 + O is 10 × 12 + 16 + 16, दिस वुड गिव अस 152 मोल्स निकालने हैं। तो मास ओवर मोलर मास 0.1204 डिवाइडेड बाय 152, दिस इज गिविंग अस 7.94 × 10⁻²⁻ मोल्स। अब हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये इसका ट्रांसफर -4 नहीं होगा जो लाइक आंसर आ रहा है यहाँ पे? ओके हाँ, -4, मैंने गलती से -2 लिख दिया, बोला -4 ही है क्या? सर, अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, यस और उसने हमें क्या दिया हुआ है? हीट ऑफ कंबशन दी हुई है। पहले हीट ऑफ कंबशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नंबर ऑफ मोल से, तो एनर्जी रिलीज निकल आएगी हमारे पास। सो 5903.6 किलो, मैं यूनिट साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है, × 7.94 × 10⁻⁴। इसका यूनिट क्या था? मोल। मोल मोल से कट गया, किलो जॉल्स में आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 4.6735 किलो जॉल्स। अभी हमारे पास एनर्जी रिलीज निकल आई है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे विच वी हैव यूज दिस वन। लेट मी गो डाउन एंड कॉन्टिन्यू हियर। इसका एरो हेड बना देते हैं यहाँ पे। C/Q/T, क्यू की वैल्यू आई है 4.6735 × 10⁻³। उसने किलो जॉल्स में ही आंसर दिया हुआ है। किस में आंसर दिया हुआ है उसने? तो किलो जॉल में दिया हुआ है, 10⁻³ की लिखने की जरूरत नहीं है, इसको किलो जॉल में ही रहने देते हैं। टेम्परेचर इसमें क्या था? 2.2, क्या था? 2.28, 4.673 / 2.28 is giving me सही आ 2.04531 गया आंसर। किलो जाउल पर केल्विन। सॉरी क्वेश्चन तो रही है, देख सकते मैं समझ नहीं आया क्या समझ में नहीं आया इसमें भाई साहब? आप शुरू वाला पार्ट। मोल क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लेट मी राइट द डाटा। अब मैं क्वेश्चन अपने एंड पे खोल के बैठा हूँ, तुम लोग अपने टेबल्स खोल लो। मैंने अपने कॉपी से निकाल लिए हैं क्वेश्चंस, टेबल्स तुम अपनी एंड से खोल लो। जहां से मुझे डाटा की जरूरत पड़ेगी मुझे देख के बता देना। ठीक है सर, ओके, वॉल्यूम दिया हुआ है उसने हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl का। वॉल्यूम ऑफ NaOH इज अगेन 100 सेंटीमीटर क्यूब, एंड यहां से अगर हम उनका मास निकालें तो क्या निकल आएगा? वन मोल है ना दोनों के? तो वो क्या था फॉर्मूला? MV/N था ना? एमवी ओवर एन जैसे ही बन। यस सर, M1V1 हो रहा है। अच्छा चलो उस पर आते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस उसने हमें भैया दिया हुआ है 24, एंड वो दोनों की मोलैरिटी भी सेम।
मोलारिटी 1 मोल का मतलब थाउजेंड थाउजेंड के हिसाब से होती है ना, 1 मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से होती है, इनटू दैट। अच्छा फिर है हमारे पास, उसने टेम्परेचर दिया हुआ है, डिफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है उसने 24.6 एंड 6.9, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस रेज बाय टेम्परेचर ऑफ 6.9 आर मिक्स्ड एट एंड रेज टेम्परेचर बाय 6.9। ओके, उसने कैलकुलेट करने को बोला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट कैपेसिटी इज 4.18 जाउल्स पर ग्राम्स इनटू केल्विन। अच्छा एम सी डेल्टा थीटा, अगर रेज बाय 6.9 तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब यही है कि 6.9 ही होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा होता है। सी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4.18, टेम्परेचर इज 6.9 और मास हमने देखना है, मोलैरिटी उसकी उसने हमें दी हुई है एम वी ओवर एन। देखो इसका कितना बनता है मास, हाउ मच विल, ठीक है अभिनय बिल्कुल सही लॉजिक है, और आई डोंट नो व्हाई वी वर मिसिंग दैट पॉइंट। टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या निकल आया, 200 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, और वन देखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यस सर। तो मल्टीप्लाई किया तो यूनिट कैंसिल आउट हो गया और 200 ग्राम आ गया। अब 200 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द आंसर व्हिच वाज गिवन इन आवर बुक, 200 × 4.8 × 6.9 5.7756, यही आंसर है। 5.768, यस सर। हाँ किलो जाउल्स में चले जाएंगे तो फिर वो उसमें बन जाएगा, और सर हमें क्यों ही ये निकालना क्या, था, किलो जाउल्स पर मोल में जाना है, तो उसका मोल बनता है 0.1 मोल बनता है, तो 5.77 किलो जाउल्स पर मोल डिवाइडेड बाय 0.1, तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। तो 200 से आ गया 5.7756 किलो जाउल, इसको डिवाइड कर दिया मोल से, -Q/mol of HCl, वो बन रहा है -5.7756/0.1, दिस इज गिवन 57.756 किलो जाउल्स पर मोल। मोल निकालने के लिए हमने वही किया है, मोल ऑफ एच सी एल इज इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर इंटू 0.100 लीटर इंटू 0.1 मोल। ठीक है, हाँ तो क्या किया समझ में, रेस कर देते हैं, कन्वीनियंट की है लीटर्स टू उसके वो जो है उस पॉइंट क्या कहते हैं मोल्स बनाया हमने एचसीएल के अंदर, तो हमने उसकी वैल्यूज ले ली हैं, और चूंकि दोनों बराबर थे एनयू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ये
NaOH प्लस वैसे ये जो एटीन। आपने किया था 200 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई हाँ बाय, वो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा था 200 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर यस होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वहां से मास निकल आया 200 ग्राम्स। तो